हिमाचल की तरह सोलन में भी राशन कार्ड पर सस्ता राशन उन्हें ही मिल रहा है जो वास्तव में उसके हकदार हैं, जिनकी आय बेहद कम है और जो आयकर देने के पात्र नहीं हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने राशन के डिपुओं से उन उपभोक्ताओं की लिस्ट तैयार करवा ली है जो आयकर दाता हैं। सोलन वासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि सरकार आयकरदाताओं का राशन इसलिए महंगा कर रही है क्योंकि वे आयकरदाता हैं। महंगा राशन बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा ही कानून नौकरी देते हुए क्यों नहीं अपना रही है? नौकरी देते हुए वे इस नियम को क्यों भूल रही है कि उस समय भी आयकर का आधार मानकर आरक्षण देना चाहिए? शहरवासियों ने कहा कि सरकार ने अच्छा फैसला लिया है कि आयकरदाताओं को सरकारी डिपो से सस्ता राशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये नियम नौकरी देते समय क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? नौकरी देते समय भी ये देखना चाहिए कि अगर उनका परिवार आयकर दाता है और वह आर्थिक तौर पर समृद्ध है तो उसे नौकरी में संरक्षण क्यों दिया जाता है? सरकार की नजर में सब समान होने चाहिए। अगर राशन आर्थिक आधार पर दिया जाता रहा है तो नौकरी में आरक्षण भी आर्थिक आधार पर देना चाहिए। द पर्सन या फैमिली में अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं प्लस दे आर पेइंग टैक्स इन अमाउंट, उनको राशन कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है। जो टैक्स दे रहा है और उसको राशन कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। साइमल्टेनियसली सिमिलरली जो आदमी या जो फैमिली में टैक्स पे कर रहे हैं और वो फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ है, उनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए। आपको ये क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। यू आर पेइंग टैक्स, यू आर वेरी वेल ऑफ, यू शुड नॉट बी गिवन द फैसिलिटी ऑफ राशन कार्ड। सिमिलरली आप अपने इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, आप वेरी वेल ऑफ हैं, आप फाइनेंशियली गुड पोजिशन में हैं, तो आपको जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो हिंदुस्तान में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट जो है सरकारों ने लिया कि जिसमें जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमिकली जो पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्व ना करके कास्ट वाइज रिजर्वेशन कर दी, और उससे मतलब कई लोग जो हैं उसमें जो हैं जो पढ़ लिखे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, लेकिन ओवरऑल जो हमारे देश की अभी भी 70-75% जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो वैसे भी जो रिजर्वेशन होनी चाहिए वो इकोनॉमिक बेस पे ही होनी चाहिए, ताकि जो हमारे हमारे यहाँ पर अगर आपने लास्ट 2 साल का अगर ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो भी देखा होगा तो उसके अंदर जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब है वो और गरीब होते चलते जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में पूरे भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे ही, जिसको कहेंगे इकोनॉमिक जो BPL हैं या जो पावर्टी लाइन से बिलो हैं उन्हीं की ही रिजर्वेशन होनी चाहिए, उन्हीं को ही राशन मिलना चाहिए, उन्हीं को ही रिजर्व सिलेंडर्स मिलने चाहिए, क्योंकि जो लोग सामर्थ्यवान हैं आज की डेट में सब जो सरकारी एम्प्लॉइज भी हैं जो बिजनेसमैन भी हैं और सब है जो भगवान की बड़ी कृपा है इन सब पे, तो इसलिए इनको सेल्फ मतलब पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ बड़ा रॉन्ग प्रेसिडेंट स्टार्टिंग से रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि हमारा देश जल्दी से जल्दी आगे बढ़ता। जो ये इतना गैप है जो हमारे यहाँ पर अमीर और गरीब के अंदर जो इतना गैप है वो भर जाता है।